बसंत बस की यात्रा। पहला प्रश्न है इसका, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जागी? उत्तर है इसका, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई क्योंकि फर्स्ट पॉइंट बस के टायर बिल्कुल घिसकर बिल्कुल ही खराब हो रहे थे, वह कहीं भी कभी भी फट सकते थे। तेज गति से चलती बस का टायर फटने से बस पलट सकती थी, इससे अन्य यात्रियों के साथ साथ उसकी जान जाने का भी खतरा था, पर वह जान को जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे थे। सेकंड है इसका, जैसी उत्सर्ग की भावना उनके अंदर थी वैसी अन्यत्र दुर्लभ थी। थर्ड है इसका, उनके साहस और बलिदान की भावना के हिसाब से उन्हें क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था, अर्थात उनमें साहस कूट कूट कर भरा था। सेकंड क्वेश्चन है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते, लोगों ने ये सलाह क्यों दी थी उन्होंने? क्योंकि लोगों को बस की सच्चाई का पता था, अर्थात वे उसकी जर्जर दशा से परिचित थे, बस कब कहां खराब हो जाए कुछ कहना मुश्किल था। थर्ड है इसका, बस यात्री को गंतव्य तक ठीक से पहुंचा ही देगी, ये कहना भी मुश्किल था। थर्ड क्वेश्चन है, ऐसे जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा इस लेखक को? उत्तर है, लेखक को इसलिए लगा क्योंकि जब बस को स्टार्ट किया गया तब वह जोर की आवाज करती हुई हिलने लगी। वास्तव में बस का इंजन हिलना चाहिए था, पर खराब होने के कारण पूरी बस ही हिल रही थी। हिलने तथा जोर की आवाज होने पर लगता था कि पूरी बस ही इंजन बन गई है। लेखक तथा उसके साथी ये समझ रहे थे कि वे बस में नहीं किसी इंजन में बैठे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इसका, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, लेखक को ये सुनकर हैरानी क्यों हुई थी लेखक को हैरानी? क्योंकि देखने में तो वह बस अत्यंत पुरानी टूटी फूटी सी लग रही थी, उसे चलाने के लिए धक्के लगाने आदि की आवश्यकता होगी। यह महाशय कह रहे हैं कि इस तरह की बस अपने आप चलेगी, यह बात उसे हैरान कर रही थी। फिफ्थ प्रश्न है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक को पेड़ों से डर क्यों लग रहा था डर उसको? लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि जो भी पेड़ आता उसे देखकर लेखक को डर लगता कि उसकी बस उससे टकरा जाएगी। अगले प्रश्न इसमें है, पाठ के आगे वाले, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। उत्तर है इसका, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में 1929 में कांग्रेस के लाहौर में होने वाले अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध शुरू किया गया था। इसमें संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाटी ने सक्रिय भाग लिया था। उद्देश्य, इसके निम्नलिखित उद्देश्य थे। सबसे पहला है, किसानों द्वारा व्यावसायिक खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से बहुत परेशानी थी। सेकंड है इसका, उनकी नकद आय समाप्त होने से उनके लिए लगान का भुगतान करना मुश्किल हो रहा था। तीसरा है इसका, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चारों ओर असंतोष का वातावरण बन गया था। फोर्थ है इसका, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस ने मुख्य लक्ष्य माना, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही सबसे उपयुक्त माना गया।
और फिफ्थ है इसका ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ इसे सर्वोत्तम हथियार के रूप में अपनाया गया। सेकंड क्वेश्चन है इसके सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया और किया है और लिखिए। आंसर है इसके सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार लेखक ने बस की जीर्ण शीर्ण दशा तथा उसके किसी प्रकार चलते जाने के संदर्भ में लिख किया है। लेखक व्यंग्य रूप में बताना चाहता है कि बस की दशा अत्यंत खराब है, वह चलने की दशा में नहीं है, फिर भी कभी धीरे धीरे कभी रुक रुक कर चलती रहती है। ऐसा लगता है कि ड्राइवर तथा यात्रियों के खिलाफ वह रुक रुक कर खराब होकर अवज्ञा प्रकट कर रही है।